सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई जो भी यूट्यूब पर है और वीडियोस बनाता है तो वो यही सोच कर आता है कि उसे पैसे कमाने। तो एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो पैसे कमाए। पैसे हर कोई नहीं कमा सकता ना, कि सभी पैसे कमा लेंगे तो यूट्यूब पर तो कुछ बचेगा नहीं, सब कोई बनाने लेगा वीडियो। जिसको भी थोड़ा बहुत पता चलेगा कि वीडियो बना के पैसे कमाए जा सकते हैं तो जाहिर सी होता है वो करेगा। तो कुछ लोग मैंने देखे और उन लोगों का जैसे मैंने चैनल भी देखा, और वो क्या करते हैं लोग जैसे कि नए नए होते हैं कि सोचते हैं कि अमित भाई मैं YouTube पर अपना वीडियोस अपना चैनल बना रहा हूँ और देखिए मेरे चैनल पर इतने व्यूज आते हैं इतने नहीं आते हैं, ठीक है, और मैंने 50 वीडियो डाल दी लेकिन फिर भी मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर मैंने 10 वीडियो डाली तब भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, तो क्यों नहीं हो रहा है, ये कभी सोची? तो पूरा चीज बताने वाला हूँ, कैसे सब्सक्राइबर आएंगे, कैसे व्यूज आएंगे, सारी चीजें। और ये चीज काम करने वाली भी है, 100% काम करेगी, यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल खास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बहुत ज्यादा, और मेरा नाम अमित, और आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको व्यूज मिलने वाले हैं, किस तरह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, जो नए यूट्यूबर करते हैं, नए यूट्यूबर के लिए खास तरह से ये वीडियो, बाकी तो जितने भी ओल्ड यूट्यूबर हैं वो सब जानते हैं ये चीजें। सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, हम अपना चैनल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो आई कांटेक्ट रखते हैं, ये वाला आई कांटेक्ट, अपनी आंखों को जो देखते हैं, जैसे कि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अपने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें लगना चाहिए कि सामने वाला हमें देखकर बात कर रहा है, हमें देखकर जो नॉलेज देनी है वो दे रहा है, हमें देखकर जो भी चीज बात कर रहा है वो हमें देखकर कर रहा है, हमसे आई कांटेक्ट मिला रहा है। यदि मेरे जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ याली, तो मैं आपको कैमरे में देख रहा हूँ, अपने सेल्फी कैमरे में देख रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि ये सामने चल रहा है, ठीक है, सामने बैठा हुआ बंदा है। यदि वही मैं स्क्रीन को देख के बात करूं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करिए और अपने चैनल पर व्यूज कैसे बढ़ाए, चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो यहाँ अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को देखने वाली बात है, ये चीज इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको देखो कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ तो इसका आई कॉन्टेक्ट अलग नजर आ रहा है। इसके बाद मैं दूसरी चीज बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, और इसी ट्रिक से आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं, व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। ये कौन सी चीज है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको दिखा दूं, देखिए क्या चीज होती है। एक तो होती है कि टाइटल, थंबनेल और अपने टैग्स आपने लगा लिए, ठीक है, तो इनसे क्या आपके चैनल पर व्यूज आएंगे? मान लो एक वीडियो पर व्यूज आ गए तो दूसरी पे नहीं आएंगे, गलती से आ गए वो भी एक पे, ठीक है। व्यूज कब आएंगे इस चीज को जानने की बात है। यदि मान लीजिए कोई नया चैनल है, ठीक है, उसने क्या करा, दो चार वीडियो डाली, फिर उसने सोचा यार व्यूज नहीं आ रहे हमारे चैनल पर तो वीडियो बनाना बंद करो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो चार वीडियो डाली आपने और दो चार वीडियोस पर आपके सब्सक्राइबर भी आ गए, व्यूज भी आ गए? आप सेलिब्रिटी कोई हो, अपना ये इतने फेमस व्यक्ति हो जिससे कि आपकी वीडियोस देखी देखे, जैसे कि सेलिब्रिटी कोई भी होता, या फिर आपके सलमान खान हुए, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हुआ, उसने एक वीडियो डाली तो उसकी एक वीडियो ही वायरल होनी होनी 100% है, और उस वीडियो पे ही उसके लाख 10 लाख 20 लाख व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां सेलिब्रिटी है वो, क्योंकि उसे लोग पहले से जानते हैं, हमें लोग नहीं जानते ना। हम चाहे सेलिब्रिटी कोई ऐसी वीडियो बना दे जिससे कि कोई नॉलेज ना हो, या इससे किसी का कोई फायदा ना हो, बस थोड़ा बहुत मजाक कॉमेडी हो उसमें, और फेमस हो जाती है वो वीडियो और वीडियो चलने लगती है। लेकिन हमारे वीडियोस नहीं चल सकते ना, क्योंकि हमें जानते नहीं है लोग, और साइड सी बात है हमें जानते नहीं है तो हमारी वीडियो देखेंगे भी नहीं। तो ये चीज हमारी मेन रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके चैनल पर व्यूज आए तो आपको दो चार वीडियो डाल के नहीं रहना है, ठीक है। YouTube क्या कहता है, YouTube आपको पूरे 12 मंथ यानी 12 मंथ देता है, 12 मंथ में आपको 4000 घंटे पूरा वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, उसमें 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने होते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि आपने लगातार 4 दिन वीडियो बना दी, और आप चाह रहे हैं कि पूरे 12 महीने हम इंतजार करेंगे कि 4000 वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और 1000 सब्सक्रिप्शन दूर हो जाएंगे, क्या उन 4 वीडियो से पूरा हो जाएगा? आपने तो 4 दिन की मेहनत कर ली, लेकिन YouTube ने तो आपको 12 मंथ दिए हैं, तो उन 12 मंथ तक आपको काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मान लीजिए 12 मंथ तक नहीं करें, 10 मंथ तक काम करेंगे, 10 मंथ तक आप काम करते हैं, महीने में 4 से 5 वीडियो भी डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 वीडियो डालते हैं तो 10 महीने में 50 वीडियो डलती हैं। यदि 50 वीडियो आपकी जब डलेंगी तो ऑब्वियसली किसी न किसी वीडियो पर व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है, और किसी न किसी पर तो आएंगे ही आएंगे, और उसमें से जितनी भी वीडियो होंगी उन पर भी व्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये चीज बांधने वाली है कि आपने एक वीडियो अपलोड की और उस पर व्यूज 2-3 आए, दूसरी अपलोड की 4-5 आए,
तीसरे अपलोड की 6-7 हो गए, तो इस तरह से व्यूज बढ़ते जाते हैं, वीडियो बढ़ती है तो हमारे व्यूज भी बढ़ते हैं। एवरेज व्यू या टोटल व्यूज की बात करूं तो टोटल व्यूज भी आपके बढ़ेंगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 10 वीडियोज हुई तो आपके चैनल पर व्यूज कुल 1000 थे। मान लीजिए आपके चैनल पर व्यूज हो गई तो आपके चैनल पर व्यूज आपके 2000 होंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 10000 पे भी बढ़ रहे होंगे और जो नई वाली 10000 है, सॉरी पुरानी वाली जो 10 वीडियो है उन पे भी बढ़े होंगे और नई वाली जो 10 वीडियो उन पे भी बढ़े होंगे, तो 2000 व्यूज नहीं आएंगे आपके, फिर व्यूज ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, वीडियो में रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसा नहीं करना है कि 2 वीडियो डाली फिर आपने 10 दिन का गैप ले लिया, फिर 2 वीडियो डाली फिर महीने का गैप ले लिया, ऐसा नहीं। रेगुलर रखिए कि 5 दिन बाद एक वीडियो डालनी है तो ऑब्वियसली 5 दिन बाद एक वीडियो डालिए, और डेफिनेटली आपका चैनल पर व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और आपका चैनल ग्रो भी करेगा। ठीक है, 2 चीज मैंने बताई, एक तो कोई भी वीडियो बनानी है तो आई कॉन्टेक्ट के साथ बनाएंगे, और दूसरी मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी करना है तो रेगुलरिटी आपके चैनल पर जरूर होनी चाहिए, और आप रेगुलरिटी रखेंगे तो आपके चैनल पर डेफिनेटली व्यूज सब्सक्राइबर सभी कुछ बढ़ेगा बढ़ेगा। थर्ड और इम्पोर्टेंस चीज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, यदि ये वाली चीज आपने सीख ली और कर ली अपने वीडियो में तो डेफिनेटली आपके चैनल पर वायरल तो होनी होनी है, व्यूज भी आनी आनी है। और मेरी इस वीडियो को देखना, देखिए मैं ये सोच के नहीं बता रहा हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो वायरल होगी या व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है, मैं क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस खुद लिया है, जिस वीडियो पर मैंने ये किया है, ठीक है, ये वाली ट्रिक अपनाई है, तो मेरी उस चैनल पर या उस वीडियो पर मेरी व्यूज अच्छे कहां से आए, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक मैं इस वीडियो में अपनाने वाला हूँ, फिर देखना कि इस वीडियो में आपके व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। तो तीसरा और सबसे लास्ट और सबसे अहम पॉइंट यही है, टैग। मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड की कि आप नया चैनल कैसे बनाए, ठीक है, तो नया चैनल कैसे बनाना है, ईमेल आईडी चाहिए वगैरह वगैरह जो भी चाहिए होता है, ठीक है, वो सारी चीज के ऊपर आपने वीडियो बनाया और उसके ऊपर आप अपने टैग जो लगाया, टैग किस तरह से लगा दिया, ठीक है, यही तो एक तो टैग यही लगा दिया कि YouTube पर नया चैनल कैसे बनाए, फिर दूसरा टैग लगा दिया अमित बनाना बीबी के बाइंस और ट्रेंडिंग वगैरह वगैरह आपने बहुत सारी चीजें लिख दी। अब मान लीजिए आपके चैनल सजेशन में गए, अपनी आपकी वीडियो सजेशन में गई, वीडियो सजेशन में गई तो वहां अमित बनाना की वीडियो होगी और नीचे आपका मतलब सजेशन में दिखा दिया उसने गलती से, दिखाई देगा जब आपका टैग लगा होगा, ठीक है, तो क्या आपकी जो व्यक्ति अमित बनाना की वीडियो देखना है वो आपकी वीडियो देखेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि उसे तो इंटरेस्टिंग चाहिए ना, इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, तो वो अमित बनाना की वीडियो देखेगा ना कि आपकी वीडियो, तो ऐसा टैग लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब ये टेक्निकल चैनल है, यदि फिर आप इस तरह से यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाए, यूट्यूब पर आप नया चैनल कैसे बनाए, एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए, तो ये सारी चीजें बताते हैं, तो वहां तो आपका टैग काम कर जाएगा, लेकिन आपका चैनल वहां काम नहीं करेगा, आपका टैग कोई भी वहां काम नहीं करेगा जहां आप सोच रहे हैं। ये गलत सोच है कि हाँ हम कुछ भी चीज बना देंगे और कोई भी टैग लगा देंगे तो चलेगा, नहीं, टैग भी हमें उसी से रिलेटेड लगाना है जो हमारी वीडियो है, वीडियो के अंदर टाइटल भी हमारा सेम रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि नया चैनल बना रहे हैं तो यूट्यूब पर नया चैनल कैसे बनाए ये हम टाइटल में लिखेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही लिखेंगे, ठीक है, बिना कॉमा लगाए लिखना है, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है, इसके बाद हमने टैग भी यही लगा दिया और थंबनेल पे भी यही लिख दिया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी व्यक्ति ने ये सर्च किया कि यूट्यूब पर नया चैनल या न्यू चैनल भी सर्च किया तो आपकी वीडियो सजेशन में दिखाएगा, जब सजेशन में आपकी वीडियो दिखा देगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे आएंगे, और जब व्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली जब आपके 1000 या 2000 व्यूज किसी भी वीडियो पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर आने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीनों काम आपको करने ही करने हैं, यदि ये तीनों काम आपने कर लिए तो आपके चैनल पर व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे और आपका चैनल ग्रो भी करेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, सारी नॉलेजेबल वीडियो रहती है, कोई भी कमेंट आपको करना है कीजिए और कोई भी एडवाइस लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, दिल खोल के कमेंट कीजिए, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, कुछ भी पूछना है डायरेक्टली पूछिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी, जय हिंद जय भारत।